हे गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर आज मैं आपको बताऊंगा टॉप 5 बेस्ट स्मार्टफोन्स अंडर ₹30,000। दोस्तों, मिड रेंज सेगमेंट, एक तरह से प्रीमियम मिड रेंज सेगमेंट बोल सकते हो, मतलब 30,000 प्राइस सेगमेंट के अंदर आपको एक ऐसा स्मार्टफोन मिल जाता है जो हर एक रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर सकता है। लाइक अगर आप गेमर हो, नेक्स्ट लेवल फ्लेक्सिबिलिटी की गेमिंग करना चाहते हो, व्लॉगर हो, व्लॉगिंग, यूट्यूब वीडियो या रील्स शॉर्ट्स क्रिएट करना चाहते हो, मूवीज वीडियोस डिस्प्ले पर ज्यादा कंटेंट कंज्यूम करते हो और इन सब के लिए बिग बैटरी चाहिए, मतलब बैटरी बैकअप भी ज्यादा हो, तो इस वीडियो के थ्रू को बेटर आइडिया मिल जाएगा। बिकॉज इस वीडियो के अंदर काफी रिसर्च और एनालिसिस करने के बाद टॉप 5 स्मार्टफोन्स पिक किए हैं इन दिस प्राइस सेगमेंट। डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, सो बने रहिए। बट गाइस, सर आप एक छोटा सा काम कर सकते हो, इस चैनल को सब्सक्राइब करके, क्योंकि ये एकदम फ्री है, सो प्लीज कर लीजिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं पहले स्मार्टफोन की जो आता है मेरी लिस्ट में Realme की तरफ से, Realme GT 2 Pro 5G। बेसिकली ये थोड़ा सा पुराना डिवाइस है और 50,000 के अराउंड लॉन्च हुआ था, बट इस फेस्टिवल सीजन पर विदाउट बैंक ऑफर अंडर 30 के मिलेगा और उस प्राइस पॉइंट पर ये वन ऑफ दी बेस्ट फ्लैगशिप फोन है। 8+128GB बेस ब्रांड से आता है और इस फोन के अंदर 6.7 इंच का 2K LTPO 2.0 AMOLED डिस्प्ले मिलेगा विद इंसर्ट पंचोल, 120Hz फास्ट रिफ्रेश सपोर्ट करता है। इसमें सिक्योरिटी के लिए अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर विद हार्ट रेट मॉनिटर, HDR10+ सपोर्ट, 1400 ब्राइटनेस और डिस्प्ले पर गोरिल्ला ग्लास विक्टस की प्रोटेक्शन मिलती है। इंप्रेसिव डिस्प्ले दिया गया, नो डाउट। बैक साइड में ग्लास मिलेगा विद मैट फिनिश और ये पेपर डिजाइन के साथ भी आता है। इसका बैक पैनल 2-sided कॉप्ड है। इसके अलावा ट्रिपल कैमरास होंगे, प्राइमरी लेंस 50 मेगापिक्सल दिया गया है विद OIS, जो कि फ्लैगशिप कैमरा सेंसर IMX766 को लेकर आता है। साथ में 50 का अल्ट्रा वाइड और 3 मेगापिक्सल का माइक्रोस्कोप लेंस मिलता है। फ्रंट साइड में 32 मेगापिक्सल की फ्रंट फेसिंग सेल्फी दी गई है। इसके बैक कैमरे से 8K 24fps या 4K 60fps पर वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, जबकि सेल्फी कैमरे से फुल HD यानी कि 1080p 30fps पर वीडियो रिकॉर्ड कर पाओगे। कैमरा क्वालिटी प्राइस के अकॉर्डिंग दी बेस्ट मिलेगी। इसमें परफॉर्मेंस दिया गया है जो इस फोन का सबसे हाईलाइटिंग फीचर है, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 जो कि एक फ्लैगशिप CPU है, ओनली 4nm आर्किटेक्चर पर बेस्ड है, 1 million+ स्कोर आता है, तो आप यहां से हाईएस्ट सेटिंग्स पर गेमिंग कर सकते हो, फ्लैगशिप गेमिंग एक्सपीरियंस मिलेगा। इसमें Android 12 आउट ऑफ द बॉक्स दिया गया है जो कि Realme UI 3.0 पर बेस्ड है। यहां पर आपको LPDDR5 RAM और UFS 3.1 स्टोरेज टाइप भी मिलता है। इसमें 5000mAh की बैटरी दी गई है जो कि 65W की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। इसके अलावा NFC और डुअल स्टीरियो स्पीकर्स भी मिलेंगे। तो ये 8GB RAM प्लस 128GB स्टोरेज के साथ आता है, जिसकी प्राइस है विदाउट बैंक ऑफर 27,999, बट इंक्लूडिंग बैंक ऑफर 1000 ऑफ हो जाएगा ₹27,000 में। डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो। तो नेक्स्ट स्मार्टफोन आता है वीवो की तरफ से, वीवो V29 5G, जो प्रीवियस V27 5G का एक अपग्रेड वर्जन है। दोस्तों, वीवो V सीरीज के अंदर सबसे ज्यादा डिजाइन और कैमरा पर फोकस करता है, परफॉर्मेंस से ज्यादा एक्सपेक्ट मत करना। इसका डिजाइन और कैमरा इंप्रेसिव मिलता है। 8+128GB बेस ब्रांड से ये आता है। इस फोन के अंदर 6.78 इंच का फुल HD+ कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले मिलेगा विद सेंटर पंचोल, 120Hz फास्ट रिफ्रेश से सपोर्ट करता है। इसमें अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर, डिस्प्ले पर स्कॉट सेंसेशन ग्लास प्रोटेक्शन, 1300 ब्राइटनेस, 2160Hz PWM डिमिंग और ये HDR सपोर्ट करता है। बैक साइड में ग्लास मिलेगा विद ग्लॉसी फिनिश और इसमें ऑरा लाइट मिलता है जो प्रीवियस V27 के कंपेयर अपग्रेड किया गया है। इसके अलावा ट्रिपल कैमरास मिलेंगे, प्राइमरी लेंस 50 मेगापिक्सल दिया गया है विद OIS, जो सैमसंग के GN5 सेंसर के साथ आता है। साथ में 8 का अल्ट्रा वाइड और 2 का डेप्थ लेंस मिलेगा। फ्रंट साइड में 50 मेगापिक्सल की फ्रंट फेसिंग सेल्फी दी गई है। इसके बैक और फ्रंट दोनों ही कैमरे से 4K 30fps पर वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। नो डाउट इस सेगमेंट में कैमरा जबरदस्त करता है, बेस्ट फोटोज और वीडियोस क्लिक कर सकते हो। इसमें आपको परफॉर्मेंस मिलेगा Qualcomm Snapdragon 778G, जो कि 6nm CPU है, प्राइस के अकॉर्डिंग डिसेंट गेमिंग कर सकते हो। इसमें Android 13 आउट ऑफ द बॉक्स दिया गया है जो कि फनटच OS 13 पर बेस्ड है और LPDDR4X RAM, UFS 2.2 स्टोरेज टाइप भी मिलेगा। इसमें 4600mAh की बैटरी दी गई है जो कि 68W की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है और 80W का अडैप्टर इन द बॉक्स भी मिलेगा। इसके अलावा सिंगल स्पीकर और IP54 की रेटिंग मिलती है। तो ये 8GB RAM प्लस 128GB स्टोरेज के साथ आता है, जिसकी प्राइस है 32,999, बट इंक्लूडिंग बैंक ऑफर 3000 ऑफ हो जाएगा, ₹30,000 में डेफिनेटली ग्रैब कर सकते हो। तो नेक्स्ट स्मार्टफोन आता है OnePlus की तरफ से, OnePlus Nord 3 5G। अगर आपको ब्रांड वैल्यू चाहिए, ऑक्सीजन OS को एक्सपीरियंस करना है, देन इस फोन को चेकआउट करिए। 30,000 सेगमेंट में ये OnePlus का वन ऑफ दी बेस्ट फोन है। 8+128GB बेस ब्रांड से आता है और इसके अंदर 6.74 इंच का 1.5K AMOLED डिस्प्ले मिलेगा विद सेंटर पंचोल, 120Hz फास्ट रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है। इसमें अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर, 1400Hz ब्राइटनेस और HDR10+ सपोर्ट मिलेगा। बैक साइड में ग्लास दिया गया है विद ग्लॉसी फिनिश, जो गोरिल्ला ग्लास 5 से
प्रोटेक्टेड है। बॉक्सी प्रेम के साथ आता है और अलर्ट स्लाइडर भी मिलेगा। इसमें ट्रिपल कैमरास दिए गए हैं। प्राइमरी लेंस 50 मेगापिक्सल का होगा विद ओआईएस। जो फ्लैगशिप सेंसर IMX 890 के साथ आता है, सेम सेंसर आपको फ्लैगशिप फोन OnePlus 11R के अंदर भी मिलता है। साथ में 8 का अल्ट्रा वाइड और 2 का माइक्रो लेंस मिलेगा। फ्रंट साइड में 16 मेगापिक्सल की फ्रंट फेसिंग सेल्फी दी गई है। इसके बैक कैमरे से 4K 60fps और सेल्फी कैमरे से 1080p 30fps पर वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। नियर टू फ्लैगशिप कैमरा एक्सपीरियंस मिलेगा नो डाउट। इसमें परफॉर्मेंस दिया गया है MediaTek Dimensity 9000, जो कि एक फ्लैगशिप CPU है। 1 मिलियन प्लस अंततः स्कोर आता है। हाईएस्ट सेटिंग्स पर गेमिंग कर सकते हो, फ्लैगशिप गेमिंग एक्सपीरियंस मिलेगा। इसमें एंड्रॉइड 13 आउट ऑफ द बॉक्स दिया गया है, जो कि ऑक्सीजन OS 13.1 पर बेस्ड है और LPDDR5X RAM UFS 3.1 स्टोरेज टाइप मिलेगा। इसमें 5000mAh की बैटरी दी गई है, जो कि 80 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। बाकी इसमें IR ब्लास्टर, IP54 की रेटिंग और डुअल स्टीरियो स्पीकर्स मिल जाते हैं विद डॉल्बी एटमॉस। तो ये 8GB RAM प्लस 128GB स्टोरेज वेरिएंट के साथ आता है, जिसकी प्राइस है फिलहाल 33,999, बट 3000 के अराउंड ICICI बैंक के क्रेडिट कार्ड पर डिस्काउंट होगा। आप इस फोन को 28,000 के आसपास डेफिनेटली ग्रैब कर सकते हो। तो नेक्स्ट स्मार्टफोन आता है आइको की तरफ से, आइको नियो 7 प्रो 5G। ये टारगेट करता है सीधा गेमिंग और कैमरा यूजर्स को। देखो, आइको वीवो का एक सब ब्रांड है। वीवो ऑलरेडी कैमरा और डिजाइन के लिए जाना जाता है, जबकि इसको बिल्ड किया गया है स्पेशली परफॉर्मेंस के लिए। जनरली आइको फोन्स परफॉर्मेंस सेंट्रिक होते हैं, बट इस फोन के साथ आपको परफॉर्मेंस के साथ साथ कैमरा भी दी बेस्ट मिलता है। ये 8+128GB बेस ब्रांड से आता है और इसके अंदर 6.78 इंच का फुल HD+AMOLED डिस्प्ले मिलेगा विद सेंटर पंचोल। 120Hz फास्ट रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है। इसमें अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर, 300Hz टच सैंपलिंग रेट, 1300Hz ब्राइटनेस, HDR10 सपोर्ट और PWM डिमिंग मिलती है। बैक साइड में वेगन लेदर डिजाइन मिलता है, जो काफी ज्यादा प्रीमियम लगता है। इसमें ट्रिपल कैमरास मिल जाएंगे। प्राइमरी लेंस 50 मेगापिक्सल का होगा विद OIS, जो सैमसंग के GN5 सेंसर के साथ आता है। साथ में 8 का अल्ट्रा वाइड और 2 का माइक्रो लेंस मिलेगा। फ्रंट साइड में 16 मेगापिक्सल की फ्रंट फेसिंग सेल्फी दी गई है। इसके बैक कैमरे से 4K 60fps और सेल्फी कैमरे से 1080p 30fps पर वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। कैमरा इसका टॉप नॉच परफॉर्म करता है नो डाउट। प्राइस के अकॉर्डिंग बेस्ट कैमरा क्वालिटी मिलेगी। इसमें परफॉर्मेंस दिया गया है Qualcomm Snapdragon 8+Gen1, जो प्योर फ्लैगशिप CPU है, ओनली 4nm आर्किटेक्चर पर बेस्ड है। 1.3 मिलियन प्लस अंततः स्कोर आता है। 90fps पर BGMI रन कर सकते हो और काफी सारे एक्स्ट्रा गेमिंग फीचर्स भी मिलते हैं। इसमें Android 13 आउट ऑफ द बॉक्स दिया गया है, जो कि FunTouch OS 13 पर बेस्ड है और LPDDR5 RAM UFS 3.1 स्टोरेज टाइप मिलेगा। इसमें 5000mAh की बैटरी दी गई है, जो कि 120W अल्ट्रा फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है, जो 0-100% जस्ट 8 मिनट्स में चार्ज कर देगा। बाकी इसमें डुअल स्टीरियो स्पीकर्स और IP52 की रेटिंग मिलती है। तो ये 8GB RAM प्लस 128GB स्टोरेज के साथ आता है और इस फोन की प्राइस है 32,999, बट इंक्लूडिंग बैंक ऑफर 1750 ऑफ हो जाएगा। 31,000 के आसपास डेफिनेटली ग्रैब कर सकते हो। तो फाइनली नेक्स्ट और लास्ट स्मार्टफोन आता है सैमसंग की तरफ से, सैमसंग गैलेक्सी S21 FE स्नैपड्रैगन वेरिएंट। ये सैमसंग का फ्लैगशिप फोन है। आपको सैमसंग के फ्लैगशिप फीचर्स मिलते हैं, लाइक IP रेटिंग, नॉक्स सिक्योरिटी का फुल वर्जन और फ्लैगशिप कैमरास। 8+128GB बेस ब्रांड से आता है। इस फोन के अंदर 6.4 इंच का फुल HD+ डायनेमिक AMOLED डिस्प्ले मिलेगा विद सेंटर पंचोल। 120Hz फास्ट रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है। डिस्प्ले पर गोरिल्ला ग्लास विक्टस की प्रोटेक्शन, अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर, HDR10+ सपोर्ट और 240Hz का टच सैंपलिंग रेट मिलता है। साइड में पॉलीकार्बोनेट डिजाइन मिलेगा विद मैट फिनिश और ये मेटल फ्रेम के साथ आता है। इसमें ट्रिपल कैमरास मिल जाएंगे। प्राइमरी लेंस 12 मेगापिक्सल दिया गया है विद OIS, साथ में 12 का अल्ट्रा वाइड और 8 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस मिलता है, जिससे आप 3x ऑप्टिकल जूम कर सकते हो। फ्रंट साइड में 32 मेगापिक्सल की फ्रंट फेसिंग सेल्फी दी गई है। इसके रियर कैमरे से 4K 60fps और सेल्फी कैमरे से 1080p 30fps पर वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। नो डाउट 30,000 सेगमेंट में वन ऑफ दी बेस्ट कैमरा सेटअप मिलता है, बहुत ही बढ़िया परफॉर्म करता है। इसमें परफॉर्मेंस दिया गया है स्नैपड्रैगन 888, जो कि थोड़ा पुराना 5nm पर बेस्ड है। 7,50,000 प्लस अंततः स्कोर आता है। गेमिंग अच्छी खासी कर सकते हो, बट ये हीट करता है। इसमें एंड्रॉइड 12 आउट ऑफ द बॉक्स मिलेगा, जो कि 1 UI 4.0 पर बेस्ड है। 12 5G बैंड्स को सपोर्ट करता है और LPDDR5 RAM UFS 3.1 स्टोरेज टाइप भी मिलेगा। इसमें 4500mAh की बैटरी दी गई है, जो कि 25W की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है, बट अडैप्टर इन द बॉक्स नहीं मिलता है। बाकी इसमें IP68 रेटिंग, डुअल स्टीरियो स्पीकर्स, 15W वायरलेस चार्जिंग और नॉक्स सिक्योरिटी मिलती है, फुल फ्लैश वर्जन। तो ये 8GB RAM प्लस 128GB स्टोरेज के साथ आता है और इस फोन की प्राइस है फिलहाल 32,999, बट इंक्लूडिंग बैंक ऑफर आपको ये 31,000 से 32,000 के आसपास डेफिनेटली मिल जाएगा। तो वैसे थे टॉप स्मार्टफोन्स अंडर 30 के। हो प्रथम वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आई हो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।